Все к яйцу. लग रहा था 21 23 लग रहा है. अभी देखो पीपी कितना हुआ 20 के ऊपर देगा ही नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं ड्यूअल कंट्रोल मोड. अभी देखो टाइडल वॉल्यूम भी कम हो गया, प्रेशर भी अंदर है, ठीक है. अभी देखो क्या आ रहा है, रेगुलेशन प्रेशर लिमिट, मतलब आपने जो प्रेशर सेट किया उस प्रेशर में हम ये 480 टाइडल वॉल्यूम डिलीवरी नहीं कर पा रहा है. तो आपको क्या करना है, आइदर टाइडल वॉल्यूम कम करो नहीं तो प्रेशर को बढ़ाओ. सो मैक्सिमम प्रेशर है ना एडल्ट पेशेंट के लिए बॉडी की मैक्सिमम 30 तक देना चाहिए एडल्ट लंग्स में, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए. अब उसमें हमने इसलिए ये 35 रखते हैं, जो वॉल्यूम कंट्रोल में यूजली जितना प्रेशर बना 30 तक कभी होता नहीं है. अभी देखो फिर से ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ठीक है. सो यूज पीआरवीसी. अगर हम मैक्सिमम प्रेशर लगाएंगे अलार्म प्रोफाइल पे और जितना देना है उतना ही देगा, मतलब ये ज्यादा नहीं देगा. नहीं नहीं, ये अभी क्या करेंगे ना, नेक्स्ट ब्रिज में अगर थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन होगा देन इट विल चेंज मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम एट अ टाइम 3 सेंटीमीटर. अगेन नेक्स्ट ब्रिज इट विल कैलकुलेट कितना टाइडल वॉल्यूम उससे कम हो दे सकते हैं कि नहीं. ये अगर कम में होगा ना और भी कम हो जाए, तो डीएल पिचन में तो हमने देखा हो मैक्सिमम 20-23 मैक्सिमम प्रेशर देता, ठीक है. ठीक है, एनी डाउट डीएल कंट्रोल मोड में. और एक मोड हमने बताएंगे दैट्स पर सीपे पर प्रेशर सपोर्ट, ठीक है. इसमें देखो हमने कौन सा पैरामीटर मिस हो रहा है, देखो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम मिस हो रहा है, राइट गुड. इसका मतलब ये कौन सा वाला मोड हो गया, प्रेशर वाला. प्रेशर आप क्या मॉनिटर करोगे, प्रेशर वॉल्यूम वॉल्यूम एग्जैक्ट वॉल्यूम मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, ठीक है. और कुछ मिस है, कुछ मिस नहीं है. नहीं दिख रहा है, और एक बार दिखाओ फिर. रेस्पिरेटरी रेट उसमें था, रेस्पिरेटरी रेट रेस्पिरेटरी रेट नहीं. इसका मतलब क्या होगा, पेशेंट को खुद से सांस लेना है, तो बैकअप कमिंग एयर कमिंग. यहाँ पर क्या है, आपको रेस्पिरेटरी रेट नहीं, इसका मतलब पेशेंट को खुद को रेस्पिरेशन लेना पड़ेगा. तो ये मोड कब लगाएंगे, एक पेशेंट को इंट्यूबेट करके लगाएंगे, इंट्यूबेट करके लगाएंगे क्या, नहीं. जो पेशेंट एफर्ट कर सकते थे मतलब स्पॉन्टेनियस जो ले रहे, ठीक है, उसी पेशेंट को लगाएंगे ये मोड. मतलब दिस इज कॉल्ड एक्चुअली वीनिंग मोड. जब निकालने से पहले ये वाला हम ट्राई करते. चलिए इसको एक्सेप्ट किया. अभी देखो यहाँ पर एक बैकअप वेंटिलेशन भी आ रहा है. बैकअप वेंटिलेशन मतलब आपने लगाया हाफ एन आवर ऑब्जर्व किया, उसके बाद आईसीयू में तो किसी का एक का तो एक पेशेंट नहीं मिलता है, एटलीस्ट 2-3 पेशेंट मिलता है, राइट. आपने दूसरे पेशेंट के पास चले गए और पेशेंट क्या हुआ, एपनिया में चले गए, हो सकते हैं ना. न्यूरो पेशेंट स्पेशली जा सकते हैं. अभी देखो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब देयर इज नो एब्सोल्युटली ब्रीथिंग, राइट. अभी देखो फिर से ब्रीथिंग चालू हुआ और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या है, बैकअप वेंटिलेशन हो रहा है. अब पेशेंट अगर लेना चालू करेंगे देखो रेस्पिरेटरी रेट भी चले गया प्लस बैकअप भी चले गया. मैं इसको फ्रीज है, ठीक है. जब देखो पेशेंट जब सांस लेगा तब स्किन में देखो एक पिंक हो रहा है, पिंक दिख रहा है, इधर यहाँ पर होगा नहीं तो यहाँ पर होगा, ठीक है. और यहाँ पर देखो टी बोल के आएगा ट्रिगर. ये आपको ये देख के आपको एक्चुअली पता चलता है कि हम पेशेंट सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. ये रेस्पिरेटरी रेट तो है, स्किन देख के हम बोल देते हैं कि पेशेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ओके. अभी देखो कितना टाइडल वॉल्यूम आ रहा है, 5/11. इसमें कह रहे थे जब स्पॉन्टेनियस ब्रीथ रहता है ना, ये पेशेंट के एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है. पेशेंट ने जोर से खींच लिया
ज़्यादा पैडल वॉल्यूम चले गए, किसी ने थोड़ा सा हल्का से खींचा तो थोड़ा सा कम पैडल वॉल्यूम आ रहा। ठीक है, इजली आपको जब स्पॉन्टेनियस मोड पे लगाओगे तब आपको टाइडल वॉल्यूम देखना पड़ेगा। एनी डाउट इसमें? सो मोड्स, बाकी जो मोड्स है ना मैम, बच्चे हम यही है स्टाफ थे। सो मोड्स यूजुअली दिस थ्री मोड इज गुड एनफ। ओके, वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल और ड्यूल कंट्रोल, और एक जो सीपैप हम यूज करते हैं। बाकी सेम पैरामीटर से कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अभी आते हैं हम कनेक्शन पार्ट में। नेबुलाइजर वाला ही, हाँ वही, उसी में आते हैं। अभी पेशेंट को क्या आपको नेबुलाइजेशन देना है, राइट? नेबुलाइजेशन देखो, इसमें इनबिल्ट नेबुलाइजर है। ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, एरोनेब बोल के, दिस इज योर नेबुलाइजेशन मॉड्यूल। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अभी हर मशीन के साथ एक्चुअली नेबुलाइजेशन फिट गया है। एनएस नहीं, मतलब ये अभी देखो इसको कैसे कनेक्ट करना है, यही दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी इजी। ठीक है, ये वाला मॉड्यूल दिख रहा है, ये इसमें अपना कनेक्ट हो जाएगा। डन। अभी देखो ये वाला है एक्चुअली इसको चैम्बर, दिस इज कॉलिंग चैम्बर। चैम्बर में यहाँ पर ये हीटेड चैम्बर है, यहाँ लगाना है आपको ये वाला जो कनेक्शन है। केयरफुल, इसको पिन ना टूट जाए। ठीक, ओके, अभी दिस इज कनेक्टर। जो मेडिसिन डालना है आपको ऊपर डालना है। अभी इंस्पिरेशन में देना है कि एक्सपिरेशन में देना है? इंस्पिरेशन में। पक्का? पक्का। चलो लगाते इंस्पिरेशन में। ठीक है, ये वाला इंस्पिरेशन है। अभी जो वेंटिलेटर चल रहा है, ठीक है, राइट? सो आपको फर्स्ट यहाँ देखो नेबुलाइजेशन है, राइट? नेबुलाइजेशन क्लिक किया, अभी कितना टाइम चाहिए आप देना चाहते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट्स। तो हम सिलेक्ट करते हैं 10 मिनट, एड कर दीजिए रेड वाइज, देन एक्सेप्ट। अभी देखो यहाँ पर देखो, आ रहा है फ्यूम्स आ रहा है। सो एरोजन, एक्चुअली एरोजन इज द बेस्ट कंपनी फॉर नेबुलाइजर। ओके, एरोजन जो है ना, दिस इज द बेस्ट कंपनी फॉर नेबुलाइजेशन। इसका जो जो गैस इसका ना डिफ्यूजिशन है, ये less than 3 micron, मतलब पूरा एल्गोरिथम जाता है ये। और हमने जो
यूरिन जो यूज होता है इसमें, दिस इज मोर देन 5। ये जो नॉर्मल जो ये करते हैं ना क्या बोलते हैं, ये मोटर लगा के देते हैं नेबुलाइजर, इसका एक तो MDS है वो इनहेल करने वाला, और एक टाइप का है ये तो आपका मतलब एरोजन वाला है, तो नेबुलाइजर से भी तो एरोजन नहीं, नहीं जिसमें हम मास लगा के देते हैं ना, एक छोटा सा स्टीम नहीं छोटा सा जो मशीन आता है तो उसको नेबुलाइजर नेबुलाइजर बोलते हैं, आई मीन उसका एक अलग नेम है, कंपनी ने जो प्रोसीजर उसको दूसरा नाम तो बोलते हैं, क्लियर नहीं आ रहा है अभी। दिस इज जो अल्ट्रासोनिक वन, अल्ट्रासोनिक ठीक है ये वाला जो है अल्ट्रासोनिक वन, उसमें एक नाम बोलते अलग से अभी याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। सो कनेक्शन देख लिए, नेबुलाइजेशन होने के बाद ये वाला निकल के फिर ट्यूबिंग्स लगा दें, इनफैक्ट आप अगर चाहे तो कंटिन्यूस रख सकते हो कि नेबुलाइजेशन मतलब तो बार बार निकलने से एक पेशेंट के लिए आप ऐसे रख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर नेबुलाइजेशन स्टॉप करना है तो स्टॉप कर दिया, ठीक है, और ये नेबुलाइजेशन नहीं उस तरफ से सबका पिक्चर लगे पीछे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेबुलाइजेशन स्टॉप हो नहीं जा रहा है, ठीक है। सो ये लगा के रख सकते हो, आई मीन स्पेशली केस में हर 2 hourly नेबुलाइजेशन होता है उस केस में तो रखना ही चाहिए, इसको लगा के कंटिन्यू रख सकते हैं सर्किट को, क्योंकि हाई पीक जा रहा है, कोई पेशेंट को हाई पीक दे रहा है, ARDS पेशेंट है 12-15 ये दे रहा है, पीप का फंक्शन देखा है ना, पीप नहीं देंगे तो क्या होगा, इमीडिएटली और एल्वियोलर कोलैप्स हो जाएगा, फिर उसको रिक्रूट करने में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं एक बार लगा के ऐसे रख, जब नेबुलेशन देना हो उसको यहाँ से मेडिकेशन डालो, ठीक है, डालने के बाद ये इसमें कुछ लीक नहीं होगा, ठीक है, ये दिया फिर नेबुलेशन चल, ठीक है। ये हो गया आपको मतलब एडल्ट पेशेंट के लिए नेबुलाइजेशन, अभी छोटे बच्चे के लिए ना आप अगर रियूजेबल ट्यूब अगर यूज करो तो उसको कनेक्शन कैसे करना, स्टैंडर्ड कर दो, ठीक है।